शुभोदय बच्चों, पिछले क्लास में हम किसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके थे? आपके टेक्स्ट बुक के जो सेतु बंधकारी है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे। बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में तीन मई तक हम जा चुके थे। चौथा मई अभी हम जानना है। तीसरा मई कौन सा है? संज्ञा है। संज्ञा के भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करना था, इसी कारण से हम संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या है, उनके बारे में भी हम जान चुके थे। बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं और एक बार हम जानेंगे आज के क्लास में संज्ञा किसे कहते हैं। बच्चों, आप लोग वीडियो देखने के बाद शायद आपकी समझ में आ गया होगा। बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थल तथा भाव के नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। या जो संज्ञा के भेद कितने प्रकार के हैं उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर चुके थे। बच्चों, आज के क्लास में हम सर्वनामों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं चौथा में सर्वनामों को रेखांकित कीजिए। अगर ऐसे ही आप लोग वहां दिए गए वाक्यों को रेखांकित किए तो सर्वनाम क्या है आपके समझ में नहीं आ जाता है। इसी कारण से मैं आज के क्लास में आपको पहले सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा क्या है और सर्वनाम के भेद कितने हैं उसके बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। बच्चों, आज के क्लास में कौन से विचार को जानने जा रहे हैं हम? बच्चों, सर्वनाम के बारे में जानने जा रहे हैं। पहले हम जानेंगे सर्वनाम की परिभाषा को। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले में अथवा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। मैं लिखती हूँ, आप लोग देख लीजिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले क्या है? प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। जानिए बच्चों, सर्वनाम किसे कहते हैं? ये तो सर्वनाम की परिभाषा है। परिभाषा का मतलब क्या है बच्चों? डेफिनेशन है। किसे कहते हैं सर्वनाम? संज्ञा के स्थान पर अथवा संज्ञा के बदले में। प्रयुक्त का मतलब क्या है? प्रयोग होने वाले। प्रयुक्त होने वाले का मतलब क्या हो जाता है? प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग एक उदाहरण को देखने के बाद आप लोगों को बहुत आसानी से मालूम हो जाते हैं। बच्चों, देख लीजिए, मैं उदाहरण देने जा रही हूँ। उदाहरण क्या है? राजू अच्छा लगता है, अच्छा लड़का है। अब दूसरे वाक्य को मैं इस वाक्य के साथ लिखने जा रही हूं, वह कौन सा है? वह पढ़ने में भी तेज है। जानिए बच्चों, दोनों वाक्य इधर है। उदाहरण के लिए इधर पहले वाक्य में कौन सा शब्द संज्ञा हो जाता है? राजू जो शब्द है वह क्या हो जाता है? संज्ञा हो जाता है। अभी दूसरे वाक्य में क्या है? वो संज्ञा के जगह पर बहुत का प्रयोग किए हैं, ये तो सर्वनाम है। वो क्या हो जाता है? सर्वनाम हो जाता है। इधर संज्ञा के जगह पर हम बहुत का प्रयोग किए हैं, राजू के नाम के स्थान पर बहुत का प्रयोग किए हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं सर्वनाम। क्योंकि अगर बार बार संज्ञा का प्रयोग हम करते हैं तो उदाहरण के लिए राजू पाठशाला आया, राजू कक्षा में आया, राजू किताब को रखा, राजू प्रार्थना को गया, इस तरह बार बार उसके नाम कहते रहने से क्या हो जाता है? भाषा की सौंदर्य गायब हो जाता है। इसी कारण से हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनामों का प्रयोग कर देते हैं। जानिए बच्चों, अभी हम जानेंगे संज्ञा के भेद के बारे में, कितने प्रकार के हो जाते हैं संज्ञा, संज्ञा के भेद, सॉरी सर्वनाम के भेद। सर्वनाम कितने प्रकार के हो जाते हैं उसको देखेंगे। सर्वनाम के भेद कितने प्रकार के हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के हो जाते हैं। कितने प्रकार के हैं बच्चों? 6 प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन सा है? पहला है पुरुषवाचक
करना, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है निजवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, कौन सा है चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कौन सा है बच्चों पांचवा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और छठवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन सा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कितने प्रकार के हैं सर्वनाम बच्चों? छह प्रकार के हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है निजवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, छठवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इनको हम कहाँ सीखे थे? आपको जो बेसिक ग्रामर सिखा रही थी मैं, उस समय मैं आप लोगों को बता चुकी थी शब्द कितने प्रकार के हो जाते हैं। उसमें चार प्रकार के शब्दों को हम देख चुके थे। पहला है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द, तीसरा है अर्थ के आधार पर शब्द, और चौथा है प्रयोग के आधार पर शब्द। आज के जो विचार है सर्वनाम प्रयोग के आधार पर शब्द के अंदर आ जाते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के थे? मुख्य रूप से दो प्रकार के थे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंदर कौन कौन से शब्द आ जाते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आ जाते हैं। पिछले क्लास में हम संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके थे बच्चों। आज के क्लास में हम किसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं? सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जान लिए बच्चों? इसको इन सभी छह जो सर्वनाम है उनको विवरण के साथ बताती हूँ। उससे पहले मैं पहले एक बार कन्नड में बताना चाहती हूँ बच्चों। हिंदी तरगतियल मकले ನಾವು ಸಂಜ್ಞಾ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ। ಸಂಜ್ಞಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾಮಪದ। ನಾಮಪದದ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಸರ್ವನಾಮ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ। ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ವನಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ। ನಾವು ಮೊದಲೇ ಬೇಸಿಕ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ। ಒಂದು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಶಬ್ದ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಆಧಾರದ ಶಬ್ದ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಆಧಾರದ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ। ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಆಧಾರದ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಶಬ್ದಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ। ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿಕಾರಿ ಶಬ್ದ, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಅವಿಕಾರಿ ಶಬ್ದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ। ವಿಕಾರಿ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳು ಬರುತ್ತೆ? ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರದ ಶಬ್ದಗಳು ಬರುತ್ತೆ। ಅದರೊಳಗಡೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಸಂಜ್ಞಾ, ಎರಡನೇದು ಸರ್ವನಾಮ, ಮೂರನೇದು ವಿಶೇಷಣ, ನಾಲ್ಕನೇದು ಕ್ರಿಯೆ। ಈ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ। ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವಿವಾಗ ವಿವರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜ್ಞಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೆ, ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವನಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಮಕ್ಕಳ ನೀವು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಗ್ರಾಮರು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮುಂದೆ। ಅದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವನಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸರ್ವನಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಜ್ಞಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಜ್ಞಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ। ಸಂಜ್ಞಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀವು ನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂಗ್ರೇಜಿಗೆ ಯಾಕೆ ನೌನ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮಪದ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ನಾಮಪದದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆದ್ವಿ? ಸರ್ವನಾಮಗಳು ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ। ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ। ಮಕ್ಕಳ ಉದಾಹರಣೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ? ರಾಜು ಅಜ್ಜ ಲಡ್ಕಾ ಹೇ। ಇಸ್ ವಾಕ್ಯಮೇ ಕೌಸ ಶಬ್ದ ಸಂಜ್ಞಾ ಹೇ ರಾಜು, ಹೌದಲ್ವಾ? ರಾಜು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ನಾಮಪದವಾಗಿದೆ। ಹಾಗೆಯೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಓಹ್ ಕನ್ಯೆ ಬೇಬಿ ತೇಜ್ ಹೇ, ರಾಜು ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಓದುವುದರಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಚುರುಕಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ। ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಂತ ಏನ್ ಬರ್ದಿದೀವಿ? ಬಹು ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸರ್ವನಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಇಲ್ಲಿ
ಸಲಿನಾದ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಸರ್ವನಾಮ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಅರ್ಥಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ಸರ್ವನಾಮದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಂಜ್ಞಾ ಶಬ್ದ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದನು ರಾಜು ತರಗತಿಗೆ ಹೋದನು ರಾಜು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೈಚೀಲವನ್ನ ಇಟ್ಟನು ರಾಜು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋದನು ಹೀಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ರಾಜು ರಾಜು ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಸಂಜ್ಞಾಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನಪರ್ ಸರ್ವನಾಮದ ಪ್ರಯೋಗ ಕರ್ತೀನಿ ಬಹು ಯಹೇ ರಾಜು ಪಾಠಶಾಲಕ ಆಯ ಬಹು ಕಕ್ಷಾ ಹೇಗಯ ಬಹು ಅಪನೆ ಕಿತಾಬ ಬಹು ಕಕ್ಷಾ ಮೇ ರಕ್ತ ಔರ್ ಬಹು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೋ ಗಯ ಇಸ್ ತರ ಹಮ್ ಸಂಜ್ಞಾಕ್ಕೆ ಬದಲೇ ಮೇ ಪ್ರಯೋಗ ಕರ್ತೇ ಹೇ ತೋ ಉಸ್ಕೋ ಹಮ್ ಕರ್ತೇ ಹೇ ಸರ್ವನಾಮ ಅರ್ಥಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ವನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರದ ಸರ್ವನಾಮಗಳು ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಆರು ಪ್ರಕಾರದ ಸರ್ವನಾಮಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸಂಜ್ಞಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಐದು ಪ್ರಕಾರದ ಸಂಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಸರ್ವನಾಮದಲ್ಲಿ ಆರು ಪ್ರಕಾರದ ಸರ್ವನಾಮಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಪುರುಷವಾಚಕ ಸರ್ವನಾಮ ಎರಡನೆಯದು ನಿಶ್ಚಯವಾಚಕ ಸರ್ವನಾಮ ಮೂರನೆಯದು ನಿಜವಾಚಕ ಸರ್ವನಾಮ ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಸಂಬಂಧವಾಚಕ ಸರ್ವನಾಮ ಐದನೆಯದು ಅನಿಶ್ಚಯವಾಚಕ ಸರ್ವನಾಮ ಹಾಗೇನೆ ಆರನೆಯದು ಪ್ರಶ್ನವಾಚಕ ಸರ್ವನಾಮ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನ ವಿವರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಥವಾ ಎರಡೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಇವಾಗ ಪೆಹಲೆ ಹಮ್ ಸೀಕೆಗೆ ಪುರುಷವಾಚಕ ಸರ್ವನಾಮ ಕೌನ್ಸಾ ಹೇ ಪುರುಷವಾಚಕ ಸರ್ವನಾಮ जानने जा रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के परिभाषा को पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं जो सर्वनाम शब्द किसी पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आई जो सर्वनाम शब्द यावंदु सर्वनाम शब्द यावदादरो पुरुष आ जागदल्ली प्रयोग आगिद्रे अवुगळन्नेन्त करीवि पुरुषवाचक सर्वनाम ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷವಾಚಕ ಸರ್ವನಾಮ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಲೂಮ್ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೇ ಮೈ ಪಹಲೆ ಲಿಖತಿ ಹೋ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಉದಾಹರಣ ಉದಾಹರಣ ಹೇ ಮೈ ದೂಸರಾ ಹೇ ಹಮ್ ವಹು ಔರ್ ಆಪ್ ಇನ್ ಸಭಿ ಕೋ ದೇಖನೆ ಸೇ ಮಾಲೂಮ್ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೇ ಪುರುಷ ಕೌನ್ಸಾ ಹೇ ಇಸ್ಮೇ ತೀನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ಪುರುಷ ಆ ಜಾತೆ ಹೇ आप लोग इन तीनों पुरुषों को जानने के बाद आप लोगों को यह आसानी से मालूम हो जाता है इसको पुरुषवाचक सर्वनाम क्यों कहते हैं इस तरह का पहला है कौन सा है प्रथम पुरुष अथवा उत्तम पुरुष कहते हैं पहला कौन सा है उत्तम पुरुष है कौन सा है बच्चों उत्तम पुरुष है और दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष जानिए कितने प्रकार के हैं पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के हो जाते हैं पहला कौन सा है उत्तम पुरुष अथवा प्रथम पुरुष बोल देते हैं इसको दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष प्रथम पुरुष किसे कहते हैं जो सर्वनाम शब्द वक्ता अपने लिए प्रयुक्त किए हो उसको हम कहते हैं प्रथम पुरुष वक्ता का मतलब क्या है मातुगार यारो मातनाड्ता इदरो अवरु अवरिगोस्करवे प्रयोगवन्न माडिद्रे उसको हम बोल देते हैं प्रथम पुरुष अथवा उत्तम पुरुष उदाहरण के लिए मई मई क्या है मई बोल रही हूं मई मई अन्नदो नानु ननिगे उच्चारणेन माड्ता इदीनि अगर आप लोग कक्षा में हैं हम सब मिलकर क्या कहते हैं हम कहते हैं हम कहे तो ना वो नमस्कार में हेल्पता है उसको भी इसलिए इसको हम कहते हैं उत्तम पुरुष समझ में आ गया समझ में आ गया बच्चों अभी क्या है इसके लिए और एक उदाहरण हो जाते हैं मैं मेरा मुझको हम हमारा हमको इस तरह के जो जो शब्द आ जाते हैं उसको हम कहते हैं उत्तम पुरुष जान ली अभी हम जानने जा रहे हैं दूसरा पुरुष को कौन सा है वो मध्यम पुरुष है इसमें क्या
लेना है जो सर्वनाम शब्द वक्ता श्रोता के लिए प्रयोग करता हो उसको हम कहते हैं मध्यम पुरुष। इधर क्या है जो सर्वनाम शब्द यावंदु सर्वनाम शब्द वाला वक्ता अंद्रे मातुगार श्रोता अंद्रे केलुगार मातुगार केलुगारनिगोस्कर प्रयोगवन्न माडिद्रे उसको हम कहते हैं मध्यम पुरुष। समझ में आ गया ನಾನಿವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವುಗಳು ಪಾಠವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಾನು ವಕ್ತ ನೀವುಗಳು ಶ್ರೋತ ವಕ್ತ ದ್ವಾರ ಶ್ರೋತಕ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಪ್ರಯೋಗ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಶಬ್ದೋ ಕೋ ಹಮ್ ಕ್ಯಾ ಕಹತೆ ಹೇ ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ ಕಹತೆ ಹೇ ಉದಾಹರಣ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕ್ಯಾ ಹೇ ತು ಕೌನ್ ಸಾ ಹೇ ತು ತುಮ್ ತುಮ್ಹಾರಾ ಆಪ್ आपके आपका ये सब जो हो जाते हैं ये मध्यम पुरुष के लिए उदाहरण है। जान लिए बच्चों अभी हम तीसरा जो पुरुष है उसको जानने जाते हैं वो हो गए अन्य पुरुष। अन्य पुरुष किसे कहते हैं वक्ता जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य के लिए करता हो उसको हम कहते हैं अन्य पुरुष। समझ में गया वक्ता अंदर मातुगार ಯಾವ ಒಂದು ಸರ್ವನಾಮ ಶಬ್ದವನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ಯ ಪುರುಷ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಉದಾಹರಣ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಹ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಉದಾಹರಣ ವಹ ವೇ ಉನ್ಕಾ ಉಸ್ಕಾ ಉನ್ಕೆ ಉಸ್ಕೆ ಇಸ್ ತರ ಬಹುತ್ ಸಾರೆ ಶಬ್ದ ಅನ್ಯ ಪುರುಷನೆ ಆ ಜಾತ। जान लिए बच्चों क्या है कितने प्रकार के हैं अभी आप लोग जान सकते हैं प्रथम पुरुष अथवा उत्तम पुरुष कौन कौन से सर्वनाम शब्दों को हम कहते हैं और मध्यम पुरुष कौन कौन से सर्वनाम शब्दों को कहते हैं और अन्य पुरुष कौन कौन से शब्दों को हम कहते हैं इनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर चुके हैं बच्चों। अभी हम जानने जा रहे हैं जो दूसरा पॉइंट है दूसरा कौन सा है निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में हम जानने जा रहे हैं। देखेंगे बच्चों अभी क्या है दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु के ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे उसको क्या कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या है जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु के ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे उसको हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अंदर ಯಾವ ಒಂದು ಸರ್ವನಾಮ ಶಬ್ದ ಯಾವುದಾದರೂ ವಸ್ತುವಿನ ಕಡೆಗೆ ನಿಶ್ಚಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇದು ಡಸ್ಟರ್ ಇದು ಚಾಪಿಸ್ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆದ್ವಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಚಕ ಸರ್ವನಾಮ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ। ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಪಹಲಾ ಹೇ ಯಹ ಉದಾಹರಣೆ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಯಹ ಮೇರಾ ಘರ್ ಹೇ निश्चय पूर्वक से हमारे घर को दिखाकर हम यह कह सकते हैं यह मेरा घर है। अगर दूसरों के घर को जाकर यह मेरा घर है इस तरह बोल दे तो क्या हो जाता है वो गलत हो जाता है निश्चय हो जाता है निश्चय पूर्वक यह मेरा ही है इस तरह बोलने से क्या हो जाता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। और एक उदाहरण देती हूँ वह किताब तुम्हारा है क्या है तुम्हारा है वह किताब किसका है तुम्हारा है। जान लिए ये आप पुस्तक निन्नद पर्टिकुलर आगे आगे पर्सन दो निम्म फ्रेंड दो अवनी के हेल्थ है तेरा वह किताब तुम्हारा है उधर ये किताब है वह किताब तुम्हारा है ले लो इस तरह आप लोग बोल देते हैं। इस तरह निश्चय पूर्वक किसी वस्तु की ओर संकेत करे तो उसको हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी हम जानने जा रहे हैं कौन सा निजवाचक सर्वनाम के बारे में कौन सा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते
जानिए बच्चों, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं जानेंगे भी। ठीक है बच्चों, जो सर्वनाम कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त हो इसको हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। अंदरे यावग सर्वनाम शब्द कर्ता अंदरे केलस माडुवरु। अभी मैं पाठ पढ़ा रही हूँ, मैं कर्ता हूँ, अर्थ आगतिदेल्ल? नीवु पाठ ओद्ता इद्रे नीवु कर्ता आगिर्तीरा। ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕರ್ತ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಕರ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ಕೇಳಿಯೇ, ನಾನು ನನಗೋಸ್ಕರನೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತಹ ಸರ್ವನಾಮ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆದ್ವಿ, ನಿಜವಾಚಕ ಸರ್ವನಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರೋ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ, उस समय मैं बोल देती हूँ मैं यह काम खुद कर लूंगी। क्या है उदाहरण? मैं यह काम खुद कर लूंगी। जानिए बच्चों, मैं यह काम खुद कर लूंगी। ये जो मैं है यह तो करता है, जो खुद है वह अपने लिए काम कर रही है, इसको हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। गोतायतल्ल? दूसरा उदाहरण, गीता स्वयं ही वहां गई थी। जानिए बच्चों ये क्या है? गीता जो है ये संज्ञा है, स्वयं ही करता है, ये भी करता है, वो स्वयं ही, स्वयं की जो होता है वह क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। जो करता है वह अपने लिए प्रयुक्त कर रही है, जो सर्वनाम शब्द उसको हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जानिए बच्चों, अभी हम जानने जा रहे हैं कि चौथे विचार को, कौन सा है चौथा, कौन सा है इधर? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? देखेंगे, जो सर्वनाम शब्द एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं तथा प्रधान वाक्य के साथ आश्रित वाक्य का संबंध कराते हैं उसको हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जानिए कन्नड़ में एक बार बताओ, याव ಒಂದು सर्वनाम शब्द ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತೋ, ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದದ ಜೊತೆಗೆ ಏ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು, ಹಾಗೂ ಯಾವ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಿತ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಜೋಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಸರ್ವನಾಮದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆದ್ವಿ? ಸಂಬಂಧವಾಚಕ ಸರ್ವನಾಮ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ। ಉದಾಹರಣೆಗೆ जो जावे सो पावे। जानिए बच्चों इधर क्या है, इसका मतलब क्या है? उदाहरण में जो जावे सो पावे, पिछले दिन ही आप लोगों को कोई ने अथवा किसी ने ऐसे बताया है कि आज रात को आपको कुछ धन मिलने वाला है या संपत्ति मिलने वाला है, रात भर आपको जाग लिए तो क्या हो जाता है? उसको आप पा सकते हैं, अगर सो गए तो उसको खो सकते हैं। इसका उदाहरण जो है, ಯಾರು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತುಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಹೇನ? ಜಿಸ್ಕಿ ಲಾಟಿ ಉಸ್ಕಿ ಬೈನ್ಸ್, ದೂಸರಾ ಹೇ ಜಿಸ್ಕಿ ಲಾಟಿ ಉಸ್ಕಿ ಬೈನ್ಸ್। इधर क्या है? जो और सो है वे संबंधवाचक सर्वनाम थे। इसमें कौन सा है? जिसके और उसके, है ना? जिसकी लाठी उसकी बेंच, एक बेंच पाने वाला है वो क्या करता है? अपने लाठी को लेकर बेंच को मारता है। उस समय अगर कोई आकर पूछे तो दूसरा वाला बोलता है तुम्हें क्या है, उसमें तुम्हारा क्या
क्या कसूर है, उसकी लाठी है, उसकी बैल से वो मारता है, जाओ, इस तरह बोल देते हैं। समझ में आ गया? इस तरह शब्दों को और मुख्य प्रधान वाक्य के साथ आश्रित वाक्यों को जोड़ने के समय प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्दों को हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। समझ में आ गया बच्चों? अभी हम जानने जा रहे हैं पांचवा। पांचवा कौन सा है देखेंगे? पांचवा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इधर अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पहले हम जान चुके हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। पर्टिकुलरली दिस इज डस्टर एंड दिस इज चार्पिस, इसको हम निश्चयपूर्वक कह रहे थे, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम कह रहे हैं। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसको हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ಯಾವ ಒಂದು ಸರ್ವನಾಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಶ್ಚಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸಿಗದೇ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆದ್ವಿ? ಅನಿಶ್ಚಯವಾಚಕ ಸರ್ವನಾಮ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಉದಾಹರಣೆ ಸಕ್ತೇ ಕೋಯಿ ಆನೆಗೆ ಆವಾಜ್ ಆ ರಹಾ ಹೇ, ಆವಾಜ್ ತೋ ಆ ರಹಾ ಹೇ ಬಾಹರ್ ಸೇ, ಅಭಿ ಮೈ ಬೋಲ್ ದೇತಿ ಹೋ ಕೋಯಿ ಇದರ आ रहे हैं, है ना? कोई जो शब्द है वह अनिश्चय है। कोई का मतलब कोई भी हो सकते हैं, पर्टिकुलरली किसी भी पर्सन को या किसी भी व्यक्ति को हम नहीं बोल रहे हैं, कोई भी हो सकते हैं उधर उस जगह। समझ में आ गया? इसको हम कहते हैं अनिश्चय, है ना? इधर दूसरा उदाहरण देख लीजिए। दाल में कुछ काला है, ये भी वैसे ही है। जो कुछ है वो क्या है? अगर हमारे दाल में कुछ पड़ गया है वो क्या है हमें पता नहीं, कुछ काला पड़ गया है। इस तरह जो अनिश्चय पूर्वक हमें जो बताने वाले सर्वनाम शब्द हो जाते हैं उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोल देते हैं। जान लिए बच्चों? दिखाई दे रहा है आप लोगों को? देख लीजिए, हाँ दिखाई दे रहा है। हाँ अभी देखेंगे चटवा। कौन सा है? चटवा है। चटवा कौन सा है देखेंगे? इधर कौन सा है चटवा? चटवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये प्रश्नवाचक जो सर्वनाम हो जाता है इसको सुनने से ही आप लोगों को बहुत आसान सा लगता है, क्योंकि उस शब्द में ही हमें उत्तर मिल जाता है। क्योंकि जो सर्वनाम शब्द अथवा जिन सर्वनाम शब्दों से अगर प्रश्न पूछ लेते हैं तो अथवा प्रश्न का बोध होता है तो उसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। कन्नड़ में कलिस्कुल ಯಾವ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸರ್ವನಾಮಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿದೆ? ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಪ್ರಶ್ನವಾಚಕ ಸರ್ವನಾಮ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏನನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು? ನಾವಿವಾಗ ಕೋಯಿ ಆರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ. ಇದರ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಕೌನ್ ಆರಹೆ ಹೇ, ಪಹಲ ಕೌನ್ ಆ ರಹ ಹೇ, बच्चों इधर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हो गया है, इसलिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह को डालना बहुत जरूरी है। और तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? इधर भी प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाना है। कहाँ जो शब्द है वह प्रश्न पूछ रहा है। इस तरह के जो सर्वनाम शब्द आ जाते हैं उसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। बच्चों यहाँ तक आप लोग किसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं? सर्वनाम के परिभाषा के बारे में और सर्वनाम के भेदों के बारे में पूरे की पूरी जानकारी आप लोग प्राप्त कर चुके हैं। अच्छी तरह इसको नोट कर लीजिए और सीख भी क
कर लीजिए। समझ में आई बच्चों? अभी हम आपके टेक्स्ट बुक के जो अगला मेन है उसको देखेंगे। अगला मेन में इसी मेन में जो चौथा मेन था आपके टेक्स्ट बुक में उसमें क्या दिए हैं उसको देखेंगे। चौथे मेन में आपको सर्वनामों को रेखा के करने के लिए देते हैं उसको पूरा करेंगे। कौन सा है चौथा मेन में? सर्वनामों को रेखांकित कीजिए। क्या है सर्वनामों को रेखांकित कीजिए? क्या करना है? रेखांकित कर लेना है। पहला वाक्य कौन सा है देखेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए पहला वाक्य है वे सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकते। पहला वाक्य है वे सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकते। अनुभव नहीं कर सकते। देख लीजिए इस वाक्य में कौन सा शब्द सर्वनाम है। आप लोग जानते हैं ना इनके विवरण जो देखे हैं सुने हैं विवरण के बाद आप लोगों को सर्वनाम को ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। कौन सा है? वे है। समझ में आ गया? और दूसरे वाक्य कौन सा है देखेंगे। मैं स्कूल जाता हूं। कौन सा है? मैं स्कूल जाता हूं। जानिए इस वाक्य में कौन सा शब्द है सर्वनाम? मैं हूं। तीसरे वाक्य में कौन सा है देखेंगे। उन्होंने कार खरीदी। क्या है? उन्होंने कार खरीदी। जानिए बच्चों उन्होंने कार खरीदी। इस वाक्य में कौन सा शब्द सर्वनाम है? उन्होंने जो शब्द है वह सर्वनाम शब्द है। अभी हम देखेंगे चौथे वाक्य में क्या है। चौथे वाक्य में है तुम क्यों रो रही हो। तुम क्यों रो रही हो? इसमें कौन सा है? तुम जो शब्द है वह सर्वनाम है। अभी हम देखेंगे पांचवा वाक्य को। पांचवा वाक्य जो काम करता है सो फल पाता है। देख लीजिए जो काम करता है वो सो फल पाता है। सो फल पाता है। जल्दी बच्चों इस वाक्य में कौन सा शब्द है सर्वनाम? जो और सो है वह क्या है? सर्वनाम शब्द है। संबंध स्थापित कर रहे हैं मुख्य वाक्य के साथ आश्रित वाक्य का संबंध स्थापित कर रहे हैं। समझ में आ गया बच्चों? इन सभी अक्षरों को जो शब्दों को हम रेखांकित किए हैं वे है सर्वनाम शब्द। यहाँ तक हम जान चुके हैं बच्चों। अगले क्लास में अगले मेन के साथ आ जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।